तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है जन्माष्टमी के लिए प्रसाद और नारियल का लड्डू, गुड़ और नारियल का लड्डू, और वहाँ पे तिल भी भून के रखा है, तिल का लड्डू बनेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बन रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारे लड्डू, तिल के लड्डू, नारियल के लड्डू, और भी बनेगा बहुत कुछ। तो सब प्रसाद बनाने के बाद देखिए, यहाँ पे हो रहा है लड्डू गोपाल जी की स्नान की तैयारी। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। तो सुबह से आपसे बात ही नहीं हो पाया, मिलना नहीं हो पाया, तो आपको वीडियो देख के पता ही चल गया होगा ना कि सुबह से कितना बिजी थी। आज है हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन, तो उनके लिए बहुत सारी तैयारी भी करनी है ना, इसीलिए सुबह से बिजी थी और बात भी नहीं हो पाई। तो देखिए यहाँ पे सब तैयारी हो गई है, चलिए मैं बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगी और फिर अभी पूजा भी शुरू करेंगे। ये देखिए, ये है हमारे लड्डू गोपाल और यहाँ पे उनके पालना भी तैयार है, और यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण जी है, और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर लिया है। यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अभी स्नान करेंगे। और यहाँ पे देखिए उनके अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, मध, गंगा जल सब मैंने तैयार कर लिया है। Thank you.
मंदिर को बहुत सुंदर से सजाया गया है। यहाँ का डेकोरेशन देखिए इतना सुंदर है और यहाँ पे भक्त के बहुत भीड़ है, बहुत लाइन जमा हो गए हैं क्योंकि लड्डू गोपाल के जन्मदिन है। तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए सारे भक्त यहाँ पे मंदिर पे जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ है, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और मंदिर इतना सुंदर से सजा है ना वो भी देखते हैं। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है दही हांडी। महाराष्ट्र में दही हांडी बहुत ही जोरों शोरों से मनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बज रहे डीजे, सब गाने पे डांस कर रहे हैं और डीजे में बहुत धमाकेदार बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हो रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने यहाँ पे गाना म्यूट कर दिया। और यहाँ पे देखिए ऊपर हांडी बांधा गया है और उसको फूलों से सजाया गया है और होगा दही हांडी का। और बहुत जगह पे, पूरे पुणे पे बहुत जगह पे दही हांडी बांधा गया है, तो हम यहाँ पे आए दही हांडी देखने के लिए और दही हांडी बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे देखिए 10-10 हांडी बांधा गया है। तो दोस्तों हम दही हांडी क्यों मनाते हैं? दही हांडी एक ऐसा खेल है जो भगवान कृष्ण के बचपन के लीलाओं का सम्मान करता है। प्रतिभागी जिन्हें गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है, ये उन खुशी के क्षणों को दोहराते हैं जब कृष्ण भगवान उनके दोस्तों के साथ बचपन में मिट्टी के बर्तन तोड़ के मक्खन खाया करते थे। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन महाराष्ट्र में बहुत जोरों शोरों से दही हांडी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नहीं और भी बहुत शहरों में मनाए जाते हैं, पर हम तो रहते हैं महाराष्ट्र में इसीलिए यहाँ की बात कर रहे हैं। तो हम आए हैं पुणे में शर्मिली चौक है जहाँ पे ये 10 हांडी बांधा जाता है, ये वो जगह है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दही हांडी मनाए जाते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं दही हांडी देखने के लिए। सब एक के ऊपर चढ़ के जो गोविंदा आते हैं तोड़ने के लिए, देखिए सब एक के ऊपर चढ़ के देखिए ऐसे दही हांडी फोड़ा जाता है, तो बहुत आनंद होता है ये देख के। ये देखिए ऐसे ही दही हांडी फोड़ा जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो जन्माष्टमी और दही हांडी के फेस्टिवल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बहुत ज्यादा शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।